Hi guys. Hi guys. Welcome back to the This is Devashish और आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूँ Samsung Watch 3 के बारे में. एक साल पुराना हो गया बट ये अभी अगर आप Amazon में चेक करोगे तो टॉप सेलर में आते हैं 15,000 के प्राइस पॉइंट में. तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए और ये मैं दोस्तों से मांग के लाया हूँ. जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपना भी ले पाए. पहले भीख मांग रहा हूँ, कर देना यार. कोई तरीका है भीख मांगने का? सबसे पहले बात करें इसकी स्टाइलिंग की, तो मेटल आता है, पूरा बॉडी मेटल का मिल जाता है आप लोगों को, साइड फ्रेम वगैरह सारे, और बहुत ज़्यादा अच्छा है. इस लेदर स्ट्रैप देखने को मिलती है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, टॉप ऑफ द लाइन, और इतना होना भी चाहिए इस प्राइस पॉइंट में अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो. आपको यहाँ पे सर्कुलर डायल देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है. मुझे बेंटेन की याद आ जाती है जो अपन बचपन में देखते थे. अगर फट से मारता था वो, इसमें भी पाम रखोगे तो ये ऑफ हो जाता है. इसकी स्क्रीन बहुत अमेजिंग लगता है यार. मीन्स एप्पल वॉच के बाद अगर कोई उसे कंपटीशन देता है तो ये है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हो जाता है. इसमें बहुत सारे वॉच फेसेस आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल ऐप से कनेक्ट होने के बाद. और मेरे पास सैमसंग S21 है तो ये बहुत सीमलेसली कनेक्ट हो गया मैंने इसे किया जब, क्योंकि पॉपअप आ गया जैसे आपको एप्पल में देखने को मिलता है. जब Note 20 आया था तब ये उसके साथ लॉन्च हुआ था, और Note 20 वाला जो फेमस कलर था ब्रॉन्ज वाला, वो इसमें थीम रखा हूँ मैं. बहुत ज़्यादा क्लासिक लगता है और इस थीम का नाम भी क्लासिक है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. पीछे की और आपको सारे सेंसर देखने मिल जाते हैं जो टॉप ऑफ द लाइन वॉचेज़ में होती है. ये सारे फीचर्स हैं. और इसकी बैटरी लाइफ की बात कर लूँ, 72 आवर्स क्लेम करता है बट 1 से 1.5 दिन चल जाता है मैक्स लाइट यूजर्स के साथ. और हर चीज़ मॉनिटर कर लेता है, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, फॉल डिटेक्शन, सारे मोड्स जो अभी आपको एप्पल वॉच के टॉप ऑफ द लाइन में देखने मिलते हैं वो इसमें भी है. इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आ जाता है टाइजन 4.2, और टाइजन जो है वो आता है सैमसंग का खुद का OS जो इसे पावर देता है. ज़्यादा अच्छा है, कोई भी बग देखने को नहीं मिला. 1GB RAM 8GB स्टोरेज के साथ आता है. बट इसमें मुझे कुछ कुछ कमियां लगी जो मैं आपको बताऊं. जैसे कि अगर आपको कैमरा से कनेक्ट करना हो तो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो डाउनलोड करने के बाद उसे परचेज भी करना रहता है, जो 160 का आता है प्ले स्टोर से. ऐसे नहीं होता, मैंने इसे में गूगल असिस्टेंट डालने का ट्राई किया, नहीं हुआ. लेकिन बिग्स भी काफ़ी अच्छे से चल जाती है, स्वाइप गेस्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऊपर से करने में सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और डायल से आप नोटिफिकेशन भी चेंज कर सकते हैं, डायल घुमाकर ऐप वगैरह जो भी है आप देख सकते हैं. IP68 वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, मेटल बॉडी है, और इसे पहनने के बाद आपको क्लासिक लुक मिलता है. और इसे चार्ज करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे देने पड़ते हैं, और ये वायरलेसली भी चार्ज हो जाता है. जैसा कि मेरे फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग है तो मैं उसमें भी रखकर चार्ज कर सकता हूँ, और इसमें मैग्नेटिक चार्जर भी मिल जाता है. चार्जिंग स्लो है बट कोई नहीं, अगर आप स्मार्ट वॉच रखे हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा. इसमें आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर ऐप से कनेक्ट करते हो तो विजिट्स और बहुत कुछ कर सकते हो. इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, मीन्स अगर आपको फ़ोन नहीं करना है, किसी को वॉइस रिकॉर्ड करना है, डायरेक्टली इससे ऑन करके रख देना, उसका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा. ओवरऑल मैं इसकी बात करूँ अभी भी ये वर्थ इट है. तो इस वॉच के बारे में इतना ही. आई होप आप लोगों को ये वॉच और वीडियो दोनों पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और कॉमेंट में बताना इसका कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगता है. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे @devashishvarmabts के लिए, और ट्विटर और स्नैप में भी कर सकते हो. और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बहुत ज़रूरत है. इस साल तक 50K करते हैं. और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेक की गैजेट के साथ. तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, गुड बाय, टाटा, सी या.